चैनल गाइस, आज हम बनाएंगे होममेड पिज्जा। पिज्जा सभी को बहुत पसंद है, स्पेशली बच्चों को। तो आज मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बिना ओवन के मैं आपको पिज्जा बनाना बताती हूँ। वेलकम टू राधाज क्रिएशन। आज हम बनाएंगे होममेड पिज्जा। पिज्जा सभी को पसंद है, स्पेशली बच्चों को। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। आज हम बिना ओवन के ही पिज्ज़ा बनाएंगे, और बिना ओवन के और बिना ही ईस्ट के ही। तो मैं आपको सारी मेजरिंग और इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि आप कैसे बनाएं। आप इस तरह से बनाएंगे, आपका पिज्जा बहुत ही टेस्टी बनेगा। सो प्लीज़ कीप वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे आप आर्ट के वीडियोस भी देखिएगा और उसे पसंद कीजिएगा। सो सबसे पहले मैं अपनी मेजरिंग देख, यहाँ मैंने वन कप मैदा ले लिया है। ये हमारी वेजिटेबल्स, हमारे पास हमें जो मिला मैंने वो यूज़ किया, जैसे कैप्सियम हो गई, टमाटो हो गया, ओनियन हो गया। आप इसकी जगह जो आपको रेड कैप्सियम मिल जाए तो उसे उसका यूज़ कर सकते हैं, और भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसमें लगा सकते हैं। अब हम अपने मसाले देखते हैं। ये हमने चाट मसाला ले लिया है ऊपर से डालने के लिए, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। हमें चिली फ्लेक नहीं मिला था तो हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लिया है। ये बेकिंग पाउडर है, यहाँ मैंने एक चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। याद रखिएगा, आप भी एक ही चम्मच यूज कीजिएगा। और बेकिंग सोडा मैंने हाफ टी स्पून डाला है। छोटी चम्मच जो होती है उसी से मिक्सिंग करके आप हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालिए, दोनों का यूज़ कंपलसरी है। ये चीनी ले लिया है एक चम्मच, आप पीसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हैं। ये आधा छोटी चम्मच मैंने साल्ट ले लिया है, यानी वाइट नमक। तो आप इन सब का यूज कीजिए और ऐसे बनाइए, आपका पिज्ज़ा बहुत लाजवाब बनेगा, बहुत यम्मी बनेगा। हम कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये मैंने दही ले लिया है अभी, मैंने ये बिल्कुल दही खट्टा नहीं होना चाहिए, अभी मैं मार्केट से लेके आई हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, आप इसी का यूज़ कीजिए। ऐसे दही लेके आइए, या आप रखा हुआ दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिफाइंड ऑयल ले लिया है हमने, और ये हो गया हमारा पिज्ज़ा सॉस, और ये हो गई हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है मोज़रेला चीज़, जिसे अभी मैं इसकी मदद से ग्राइंड करूँगी। सो आप मेरी रेसिपी को देखते रहिए और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर दी। ये मैंने किसान केचप भी लिया है और चिली सॉस भी लिया है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर से डालने के लिए, क्योंकि मुझे ऑर्गेनो भी नहीं मिला था तो मैं इन सब की यूज़ से ही बनाऊँगी। और फोर्क लेंगे, क्योंकि उसमें होल करना पड़ेगा जब हमारा पिज्जा बेस बनके तैयार हो जाएगा। और अपनी ये जितनी वेजिटेबल्स हैं इन्हें छोटे छोटे आकार में काट लेंगे। तो आप पूरी मेरी रेसिपी देखिए और बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी डिटेल से देखिएगा, और फिर आप बताइएगा कमेंट में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। सो कीप वॉच एंड डू द सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन फर्स्ट। ये हमारी वेजिटेबल्स कट गई हैं, आप किसी भी आकार में इसे काट सकते हैं। ये हमने मैदा ले लिया है, अब हम इसमें सारे अपने जितने मसाले तो लास्ट में डालेंगे जब पिज्जा बनाएंगे। अभी हम इसमें ये नमक डाल देते हैं, ये बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, और याद रखिएगा दोनों का यूज करना बहुत ज़रूरी है, तो आप दोनों का यूज करिए। और ये लाल मिर्च और चाट मसाला हम लास्ट में डालेंगे जब हमारा पिज्जा बन जाएगा, पिज्जा बेस में ही डालेंगे, लास्ट में डालेंगे। ये चीनी आप पीसी डालेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा। तो आपने देख लिया हमने क्या क्या मिलाया है। अब हम इसे मिला देंगे, इसमें दही ऐड करेंगे और पानी कम ही डालेंगे, और फिर इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। जब ये पूरा नीट हो जाएगा तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये हम इसमें दही मिलाएंगे, अब मैंने इसमें 2 चम्मच दही मिलाया है जैसे कि आप लोगों ने देखा है। अब हम अब
अपनी हाथों की मदद से इसे नीट करें। सब कुछ अच्छे से मिलाएंगे प्रॉपरली और फिर इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। और जो हम पिक्चर बेस बनाएंगे वो याद रखिए कि उसको मोटा ही बेलें, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आपने डोमिनोज में खाया होगा या पिज्जा में खाया होगा, वहाँ जो पिज्जा बेस होता है वो उसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, तो हम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच और कर्ड डाल दिया है। और लास्ट में ऑयल डालेंगे और फिर उसके अच्छे से थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। 15 से 20 मिनट ढक के रख देंगे, फिर हम अपने बेकिंग वाले प्रोसेस पे चलेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के इसे नीट करेंगे। हमारी जो जितनी चीज़ें पड़ी थी वो अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम इसको नीट कर लेते हैं और इसे बिल्कुल गीला गीला ही नीट करें, बिल्कुल पानी का यूज कम करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे आर्ट की वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। मैं हर चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, वही आपके साथ लेके आती हूँ, शेयर करती हूँ। आज भी ये पिक्चर भी मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ जो कि आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी ये हमारा हार्ड है, अभी हमें इसको सॉफ्ट करना है। ऐसे आप हल्का सा हाथ में पानी लेके इसे बिल्कुल जैसे हम रोटी का नहीं आटा बनाते हैं, बस वैसे ही इसे नीट करेंगे। देखिए कितना गीला है ना, ऐसे ही हमें नीट करना है। हम हल्के अपने रिफाइंड ऑयल हाथ में लेंगे और इसे ऐसे लगा देंगे। तेल हाथ में लगाने से जितना ये लगा है ना, ये सब सूख जाता है, हट जाता है, मतलब कि थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं एडिट हो पाता है क्योंकि अभी हमारे पास कैमरा इतना अच्छा है नहीं, तो मैं अपने फ़ोन से ये वीडियो शूट करती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। मैं धीरे धीरे करके कैमरा ले लूँगी तो आपको सब अच्छे से दिखने लगेगा। देखिए अब हम इसे ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए चलते हैं अपने बेकिंग के प्रोसेस में। कढ़ाई पिज्जा बना रहे हैं तो हमने कढ़ाई की तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने कढ़ाई रख दिया है। मैंने गैस ऑन कर दी है, अब थोड़ा पानी इसका सूख जाए फिर हम इस पर नमक डालेंगे। नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें बेकिंग करनी है। फिर इसके ऊपर आप अगर स्टैंड हो तो स्टैंड लगा सकते हैं, या फिर आप कोई कटोरी लगा सकते हैं, या आप ऐसे आधा कुटनी को बीच में रख सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास जैसे भी हो आप वैसे कर सकते हैं। ये मैंने पिज्जा बेस को बनने के लिए, मतलब ये अच्छे से नीट हो जाए तो मैंने इसको रख दिया। इसको 10-15 मिनट रखे रहने देंगे। हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे कम से कम 10-15 मिनट के लिए ढक के से पकाएंगे, गर्म होने देंगे। इसका पानी सूख गया है, हम इसमें नमक डाल देंगे। फिर आप इसका जो बेकिंग का नमक है आप जो भी बनाए उस पर यूज कर सकते हैं। ये मैंने नमक डाल दिया है, 1 कप कुछ नमक है मैंने डाल दिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट में धीमी आंच में लो फ्लेम में हीट होने देंगे और इसे ढक देंगे। कोई बड़ा बर्तन हो आप ऐसे इसे ढक दीजिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ना। अब जब तक हमारी कढ़ाई हीट हो रही है हम इस पर ऐसे ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा, जो हमारा पिज्जा बेस है ना वो आसानी से निकल आएगा। तो इसे ऐसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से,
आपके पास जैसा बर्तन हो, पिज्जा का अगर ही आपके पास स्टैंड हो या कोई बर्तन हो तो आप उसमें लगा सकते हैं, पिज्जा को आप बना सकते हैं उसमें, या एल्युमिनियम का बर्तन जैसे मैंने इस्तेमाल किया है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें पूरे में लगा लिया है और ये मैंने मोजरेला चीज़ को ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा कम से कम 15-20 मिनट मैंने इसको रख दिया था, अब हम इसकी लोई निकाल लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी हम अपने साइज़ को मेजर करके हम उतनी ही बड़ी लोई निकाल लेंगे और इसे मोटा मोटा बेल लेंगे क्योंकि पिज्जा हमको मोटा ही बेलना है। तो याद रखिएगा कि अपने इसको मेजर करके इतनी साइज निकाल लेगा। अब हम इसे बेलेंगे, हम इसमें मैदा लगाएंगे और इसे भूनेंगे। तो आप बताइएगा कि आपको बिना ईस्ट और बिना ओवन के कैसा लगा मेरा पिज्जा। अगर आपको ओवन में इसे पकाना है तो आप इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन पर रख दीजिए। पिज्जा मोटा होता है इसलिए हम इसे मोटा ही बेलेंगे और फिर अपने हाथों से इसे बड़ा कर लेंगे। बस अब इसे हम इसको किनारे किनारे से अब फोक की मदद से इसमें छेद कर देंगे ताकि हमारा पिज्जा बेस जो है वो फूले ना। अब हम पिज्जा सॉस लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे, पूरे में इसको स्प्रेड कर देंगे। आपको जैसी पसंद हो वैसे आप लगा लीजिए। और बाकी भी हम ऐसे ही अपने जितने बच्चे हैं हम ऐसे ही पिज्जा बना लेंगे। बस याद रखिए इसकी थिकनेस मोटी हो। ये मैंने इसमें पूरे में अपनी पिज्जा सॉस लगा लिए। ये मार्केट वाली पिज्जा है, पिज्जा सॉस है, चाहे तो घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास पिज्जा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप केचप वगैरह भी डाल सकते हैं। ये मैंने हल्के हल्के चिली सॉस डाल दिया है और ये हल्का हल्का किसान केचप डाल दिया है। ऐसे अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। पहले हम अपनी मोजरेला चीज़ डालेंगे जो कि मेन है। ये मैंने पूरे में स्प्रेड कर दी है। अब हम इसमें टमाटर लगाएंगे, टमाटर किनारे किनारे आप चाहे जैसे डेकोरेट कर सकते हैं।
ये शिमला मिर्च लगा देंगे, ये ओनियन लगा देंगे, और इसके ऊपर से थोड़ी सी और मुझे रेड चीज डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और हल्का सा इसमें चाट मसाला डाल देंगे, और रेड चिली पाउडर डाल देंगे। चलिए अब इसे हम बेक करते हैं। ओके, 10 मिनट इसको पकते पकते हो गया है। अब हम इसके बीच में ऐसे गड्ढा बना के एक कटोरी रख देंगे और अपना पिज्जा रख देंगे और इसे 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। आप इसको चेक भी करते रहिएगा कि हमारी चीज़ मेल्ट हो गई कि नहीं है। हाथ धीमी आंच कर दिया है। अब हम बाकी भी पिज्जा बेस बना के रेडी कर लेते हैं। मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए हमारा पिज्ज़ा कैसे मेल्ट हो गई ये चीज़ पूरी में, और कितना सुंदर दिख रहा है। और ये इसे 5 मिनट और ऐसे ही पकने देंगे। अगर आपको लगता है कि अभी ये जो शिमला मिर्च है अभी थोड़ा सा नहीं पकी है, या सब्ज़ी अभी हमारी थोड़ी थोड़ी कम पकी है, तो इसे हम 5 मिनट और पकने देते हैं। और देखिए कितना सुंदर है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके ऊपर से हम चाट मसाला वगैरह डाल देंगे, इसे 5 मिनट और पकने देते हैं, ढक के पकाते हैं, फिर हम इसे निकाल लेंगे। हो गया, अब हम अपनी प्लेट हटा के देखते हैं कि हमारा जो पिज्ज़ा है वो बना कि नहीं। देखिए सब्जी पक चुकी है और देखिए पूरी चीज़ मेल्ट हो गई है। और हम इसे बिल्कुल शार्प नाइफ से, देखिए शार्प है ना, इसे फिर काट के आपको दिखाते हैं। ये मैंने दूसरा पिज्जा भी और ऑलरेडी रेडी कर रखा है। देखिए मैंने प्लेट हटा के देखा, 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारी सब्जी भी पक चुकी है और ये पूरी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। और ये देखिए हमारी जो दूसरा पिज्ज़ा था वो मैंने रेडी कर लिया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप घर में ही इसे बना के खाइए, बचा जाती है, बहुत कॉस्टली लगता है, इसे घर में ट्राई कीजिए। आप दोनों को मिला के, अब आप पिज्ज़ा सॉस और टोमेटो केचप को मिला के बनाइए तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब मेरे पास ऑरिगैनो तो नहीं था ना, चिली फ्लेक्स थे, तो मैंने लाल मिर्च और ऐसे ही जितने मसाले थे ऊपर से उसमें ही मैंने स्प्रेड कर दिया है, जैसे चाट मसाला वगैरह ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। अब हमारी सब्जी पक गई है, अब हम इसे निकाल देंगे और अपना दूसरा पिज्ज़ा रख देंगे। लिया है अभी, बहुत सावधानी से ही उतारिए। अब मेरे पास ऑरिगैनो तो है नहीं, मैं हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देती हूँ। देखिए अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ आप लोगों को।
मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़े हूँ ना, इसलिए मुझे काटने में थोड़ा सा दिक्कत जा रही है। ये देखिए अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है, अब आप इसे सर्व कीजिए। और ये आज मुझसे वेट नहीं हुआ तो मैंने इसे एक बाइट खा लिया है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है और ये इतना यम्मी बनेगा आई डोंट होप सो, बट बन गया है। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको कैसे लगा, और मैंने आपको पूछा नहीं इसके लिए सॉरी।